दौड़ से, क्योंकि मेरे खून में पहाड़ी है। तो क्या हाल चाल मेरी YouTube की फैमिली, फिर आ गए एक अनदर ब्लॉग के साथ। और आज है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पेपर है, आज जो ग्रुप सी लेवल का पेपर है। और जो सेंटर पड़ा है वो पड़ा है जनकपुरी ईस्ट, और SRS मिशन स्कूल है कोई, वहाँ पड़ा है। और टाइमिंग है 9:30 की, इससे बजे है 7, हाँ 7 ही बज रहे, तो मैं निकलने वाला हूँ। और खतरनाक पेपर, चलो फिर चलते हैं और दिखाते हैं फिर रास्ते में सीन्स। तो इस समय मिल गया ई रिक्शा, तो ई रिक्शा में बैठे हैं और जा रहे हैं फिर। मेरे यहाँ से मैक्सिमम क्या लगता है, यहाँ से मैं रिक्शा करूँगा कल्याणपुरी के लिए 10 रुपये लेगा, फिर वहाँ से फेसंग रिक्शा करूँगा 10 रुपये लेगा। उसके बाद जो मेट्रो किराया होगा मैं बता दूंगा आपको, जो जनकपुर से कितना किराया है उसका, मैक्सिमम कितना पड़ेगा आना जाना बिल दे दूंगा। और हाँ, मैं दिखा दूंगा फॉर्म्स कैसे होते हैं, जो एडमिट कार्ड आया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैसे आया है, पेपर सिस्टम क्या है, मैं सब पैटर्न आपको बता दूंगा। चलो चलते हैं, कुछ सीन देखते हैं। तो कल्याणपुरी आ चुके हैं समय और फेसन के निकल रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादा किराया नहीं है, मैक्सिमम आपको मैं बताऊँ तो आना जाना जो मेरे हिसाब से पड़ेगा वो पड़ेगा मुझे, अगर मैं 40 रुपये ई रिक्शा लगा लूँ आना जाना, और वहाँ से शायद या 30 या 35 रुपये टिकट है जाने की, और 30 रुपये शायद आने की टिकट है मेट्रो की, और शायद बगल में ही है, 5 मिनट रास्ता है, चल के जाना पड़ेगा। जो भी है मैं आपको डिटेल दे दूँगा। और आज अब जल्दी निकलना है, जल्दी जल्दी पहुँचना है, टाइमिंग है भैया, और सरकारी टाइमिंग होती है, क्या करें। चलो फिर निकलते हैं, क्या करते हैं। तो फाइनली मेट्रो में आ गए हैं और एंटर हो गए हैं, अब निकल पड़े हैं जनकपुरी के लिए। 121 रुपये थे मेरे मेट्रो कार्ड में, अब देखता हूँ यहाँ से कितने लगेंगे जनकपुरी तक फेस वन से। चलो फिर चल रहे हैं लिफ्ट की तरफ। बाकी एक ये नया फ्लाईओवर बन रहा है जो सीधा कनेक्ट कर रहा है यहाँ से 12 पुल्ला पे, और यहाँ से फेस 1 फेस 3 वाले लोगों को आसानी पड़ेगा 12 पुल्ला जाने के लिए और आने के लिए। और बहुत अच्छी फैसिलिटी बन रही है यहाँ पे। और बाकी तो सामने है ही अपना NH24 उधर पल्ली साइड, उसे ही बड़ा कर दिया, कोई जाम रहता नहीं है एक्चुअली वहाँ पे। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, अभी काम चल रहा है यहाँ पे, अभी पिंडा अभी तो खाली और रखा बिल्कुल, अभी प्लेटफॉर्म देखते हैं ट्रेन के अंदर भीड़ ना हो। वैसे संडे है आज, बहुत कम भीड़ होगी, बहुत ना के बराबर, लेकिन अगर वर्किंग डेज होता तो भीड़ होती। कोई ट्रेन वाले ये द्वारका वाले आने वाली है, तो द्वारका वाले हम बैठ जाएंगे क्योंकि जनकपुरी पहले पड़ता है। चलो इंतज़ार करते हैं ट्रेन का। If
फाइनली मेट्रो में बैठ चुके हैं और ज़्यादा भीड़ है नहीं। संडे के दिन ज़्यादा भीड़ होती नहीं है क्योंकि वर्किंग डे होता नहीं है वैसे। और नेक्स्ट स्टेशन है अक्षरधाम, हमें कम से कम लगेगा 45 मिनट्स पहुँचने में। चलो फिर पहुँच के मिलते हैं और खाली खाली जा रहे हैं, टाइम पास तो करना पड़ेगा, सॉन्ग सुनने पड़ेंगे, देखते हैं अब, मिलते हैं आगे फिर। फाइनली जनकपुरी पहुंच चुके हैं और नीचे निकल रहा हूँ मैं नीचे के लिए। और यहाँ पे सिक्योरिटी चल रही है बिल्कुल टाइट वाली कोविड की वजह से। और चलते हैं यहाँ से, देखते हैं कितने मिनट का रास्ता है। गूगल मैप पे तो 5 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम 5 मिनट दिखा रहा है वो गूगल मैप में। अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा हमें जाने जाने में। चलो फिर नीचे आ गए हैं और मेरे 121 रुपये थे, मतलब मेरे अब रह गए हैं 85, तो लगभग 35 रुपये कटे हैं मेरे। हाँ 35 रुपये मांगे, चलो 35 रुपये कट गए मेरे, 35 जितने भी कटे हैं लास्ट में दिखाई दूंगा आपको। लग नीचे पहुंच चुके हैं, मिलते हैं बाहर। चलो फिर मिलते हैं रास्ते में, बाय बाय। फाइनली पहुंच चुके हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है, हाँ लोग हैं बहुत ज़्यादा, मतलब होंगे कम से कम 100 के करीब लोग होंगे, एक बार देख लो आप। चलो फिर मिलते हैं अब पेपर के बाद, बताता हूँ पेपर कैसा गया आज। चलो फिर बाय बाय। तो फाइनली एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और मैं बाहर आ गया। एग्ज़ाम तो अच्छा गया है पर क्वेश्चन इजी है, अगर पढ़ के आओगे तो कर लोगे और नहीं पढ़ के आओगे तो वही है जय माता दी वाला, स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाला क्वेश्चन, वही करना पड़ेगा बिल्कुल बिंदास वाला। बाकी सब हो गया है, ओवरऑल पेपर अच्छा गया और देखते हैं रिजल्ट कैसा आएगा। बाकी भाई भीड़ बहुत थी, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने इस बार फॉर्म भरा है, देखते हैं क्या होता है। चलो फिर मिलते हैं फिर मेट्रो में, बाय बाय। ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तेरा होने लगा हूं जब से चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं। तो फाइनली मेट्रो में आ गए हैं और थकान हो रही बहुत ज्यादा है, भूख भी लग रही बहुत ज्यादा, घर जाके खाना खाना है। मैं देखूंगा रास्ते में कोई अच्छा खाना खाना मिल जाएगा, वहीं खा लूंगा। मेट्रो भी आ गई, चलो मिलते हैं फिर, बाय बाय। जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, मौला वही वही माया। कुन फाया कुन। पहला नशा, पहला खुमार, अगर
कर लूं मैं क्या। सो गाइस, मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया। मुझे जाना था फेस वन, तो मैं बैठ गया लक्ष्मी नगर वाले में, तो वहाँ से यमुना बैंक से डायरेक्शन चेंज हो गई। अब दोबारा पकड़ूंगा यमुना बैंक, जाऊंगा यमुना बैंक से फिर फेस वन। गाने के चक्कर में ना मैं कुछ देख ही नहीं पाया। चलो भाई दोबारा पकड़ते हैं। फाइनली चेंज कर लिए, लक्ष्मी नगर से यहाँ पे आ गए यमुना बैंक से दोबारा पकड़ूंगा फेस वन के लिए। यार गाने के चक्कर में सब बुला दिया, देखता हूँ कब तक आती है। आज वैसे भी लेट हो गया हूँ और भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। देखते हैं कम से कम, मैं मुझे लगेंगी फेस वन पहुँचने में 5 मिनट टाइम, देते कितना लगता है। खैर मैं पहुँचूँगा घर शायद 2:30 बजे तक, मे बी 2:30 बजे तक। हाँ 2:30 बजे तक पहुँच जाऊँगा घर में। चलो देखते हैं मैक्सिमम कितना टाइम लगता है, मिनिमम कितना टाइम लगता है। चलो मिलते हैं फिर मेट्रो। ए दिल बेकरार, मेरे दिल बेकरार, तू ही बता। अगर तुम साथ हो, अगर तू साथ हो, फाइनली फेस वन आ चुका हूँ और यहाँ से मैक्सिमम लगेंगे मुझे आधा घंटा। और मेरे 121 रुपये थे जो बैलेंस था मेरा मेट्रो कार्ड में, बट अब दिखा रहा है शायद 89 के आसपास। तो लगभग ज़्यादा नहीं कटे, नहीं 89 39, मैं चेक नहीं करा डाल दूंगा बाद में, अब ध्यान देखना पड़ेगा मुझे। चलो रिक्शा मिल गया मुझे, रिक्शा बैठते हैं कल्याणपुरी आगे जाना पड़ेगा। यार मैं थक चुका हूँ यार, चल चुके मैं ना, पैर बहुत दुख हो रहा है यार। देखता हूँ मैं क्यों कितना टाइम लगेगा भाई। कल्याणपुरी जाना है, कल्याणपुरी। चलो भाई रिक्शा मिल गया है फाइनली, रिक्शे में बैठो। सो फाइनली घर पहुंच चुके हैं और मज़ा आ गया आज। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और मैं बता देता हूँ क्या क्या डिटेल थी और कितना कितना मेरा किराया लगा। कुछ ऐसा फॉर्म मिलेगा आपको, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। इसमें 2 फॉर्म होंगे, ये अभी हाफ है, ये ऊपर होगा ठीक है, और आधा वहाँ ले लिया जाएगा और आधा आपके पास रख देंगे। स्टैम्प लगे बाई चांस कुछ होता है तो आपको इसको ही दिखाना होगा। और कुछ इंस्ट्रक्शन है जो भी COVID-19 के वजह से, जो भी ये सब है हिंदी में, मैंने इंग्लिश में लिया था बट मेरे पास रह गया आपको दिखाने के लिए। और कुछ ऐसी COVID-19 की NOC होगी जो आपको फिल करना पड़ेगा और साइन करना पड़ेगा। और अंदर बेल्ट अलाउड नहीं है, वॉच अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। और एक ID लेके जानी पड़ेगी आपको, चाहे वो आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो या वोटर आई कार्ड हो, और ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। और मास्क होना चाहिए या सैनिटाइजर हाथ साथ में होना चाहिए। और बात मत करना, बात करोगे तो पेपर एट ए टाइम ले लिया जाएगा। बहुत स्ट्रिक्ट है पॉलिसी इसकी, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, एक बंदा बात कर रहा था, तुरंत उसका पेपर ले लिया गया, उसको पेपर नहीं दिया गया। एक होता ना छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, फर्स्ट चांस होता, ऐसा कुछ दिया नहीं। बट जो ओवरऑल पेपर अच्छा गया, 100 नंबर का पेपर था। इसमें 25 नंबर इंग्लिश का आया था और हिंदी का 25 नंबर का, अर्थमेटिक 25 नंबर का, जनरल नॉलेज 25 नंबर का। इंग्लिश हिंदी आप यू समझ लीजिए, पेपर इस तरह होगा
कि कुछ भी ऐसे हम नाउन पढ़ते हैं, प्लूरल पढ़ते हैं, या हमारे जो भी हम इंग्लिश बोलते हैं तो उसके ऊपर डिपेंड है. हिंदी में वैसी है, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, जो भी अपोजिट लैंग्वेज शब्द का अपोजिट क्या होता है, सूर्य का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं. और आपका जनरल नॉलेज में कि बुद्ध कहाँ के रहने वाले थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, ब्रिटिश साम्राज्य में कोलकाता में कौन सा वहाँ पे जो भी लॉर्ड था, जो भी सिस्टम था, मतलब जो भी राजा था वहाँ का, या जो भी वहाँ पे जनरल थे उनका नाम बताना पड़ेगा. और जो अर्थमैटिक है, अर्थमैटिक में थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेन बात क्या है, वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है और आपको तुरंत डायरेक्ट जो भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. आप पेपर के पीछे बैक साइड कर सकते हैं, या आप पूछ लेना, जो भी इंस्ट्रक्टर होगा वो बता देगा आपको. और ओवरऑल पेपर अच्छा गया है. और हाँ, एक क्वेश्चन में अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब चार क्वेश्चन में एक नंबर की नेगेटिव मार्किंग. आप मान लो अगर चार क्वेश्चन गलत हो तो एक नंबर कट जाएगा, मतलब एक नंबर नेगेटिव लगेगा, नेगेटिव मार्किंग होगी. बाकी दिमाग से करोगे तो हो जाएगा, दो घंटे का समय मिलेगा आपको. और हाँ, मुझे यहाँ से मेरा किराया लगा है, जो मेरा किराया लगा है मेरे पे 121 रुपये मेरे मेट्रो कार्ड में थे, जिसमें मेरे बचे हैं 39, तो मेरा लगभग मेरा लगा 60, 70, 80, 90, 92 के आसपास मेरा किराया लगा है. तो मतलब आप 41 ये कुछ ऐसा मिलेगा, इसमें नाम होगा, आपके फादर नेम होगा, आपका रोल नंबर होगा, एप्लीकेशन नंबर होगा, बाकी इसके ऊपर एक फॉर्म होता है, वो बाद में वो वहाँ पे ले लेते हैं. बाकी ये स्टैम्प जरूर लगनी होनी चाहिए प्लीज़, ये अगर स्टैम्प नहीं होगी तो आपको दिक्कत होगी, ये स्टैम्प जरूर लगवा के आना वहाँ से. और ये कुछ इंस्ट्रक्शन है COVID-19 की, ये पेपर थोड़ा मुड़ गया है, बैग में रखा था एक्चुअली, थोड़ा ऐसा कुछ है ये. इसमें जो भी COVID-19 का, जो भी दिल्ली, जो भी कोर्ट करवा रहा है, जो भी सिस्टम करवा रहा है, उन सब के बारे में दिया गया है. और एक ऐसी आपकी एक इंग्लिश में होगी और एक हिंदी में होगी, जिसको आपको करना हो कर लेना. ये आपको साइन करके नाम लिख के रोल नंबर लिखना पड़ेगा, और आपके जो भी नाम और जहाँ साइन होंगे आपके, इधर मैंने कही नहीं क्योंकि मैंने सबमिट नहीं किया, बट ओवरऑल ठीक है. बाकी मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है, आई होप आपको पसंद आए. बाय बाय. तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, कुछ नया करेंगे, सोचा तो है, कुछ नया करना है और कुछ सोचा भी है, और आई होप आपको पसंद आए. चलो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में. सबको नमस्ते, जय हिंद. हाँ हूँ मैं पहाड़ से, क्योंकि मेरे खून में पहाड़ी है, बसता देखो स्वर्ग यहाँ.